हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, मेरे किसान भाई को, मेरे आर्मी वाले भाई को आज अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो, पूरा उत्तराखंड वासियों को और पूरे भारतवासियों को। आज अष्टमी है और यहाँ हमारे उत्तराखंड में कोट ब्राह्मणी मंदिर में भव्य मेला लगता है, तो आज मैं उसी मेले मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मेले का दृश्य दिखाने जा रही हूँ। तो बने रहना दोस्तों मेरे ब्लॉग में अंत तक। तो आइए आपको दिखाते हैं कोट मेला, जहाँ हमको मैया के नौ रूप दिखते हैं और मैया वहाँ पे सभी को आशीर्वाद देती है। तो आइए चलिए, हम आपको ले चलते हैं कोट ब्राह्मी मंदिर मेला। और वहाँ पर 4 बजे डोला उठता है मैया का, तो दिखाते आपको डोला मैया का। और तब तक के लिए नमस्कार। कितने हैं फोटो? तो गाइज़, मैं पहुंच गई हूं कोट मंदिर के नज़दीक और यहां पे गाड़ियां लगी हैं किनारे से, और बस जस्ट पहुंचने वाली हूं मैं मंदिर। और भंडार जी छोड़ के चले गए हैं गाड़ी में, और भी यहां पे घूमने वाले आए हैं, मेला देखने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, कितनी सारी भीड़ लगी है यहाँ पे भक्तों की। और ये मैंने यहाँ पर से मंदिर के सामने से वीडियो शूट किया है, भक्तों की भीड़ देखिए कुछ ज़्यादा ही लग रही है। और मैं पहुंच गई यहाँ पे मंदिर के गेट के सामने, यहाँ पे भंडारा लगा है। और उससे भी आगे बढ़ते हुए भीड़ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन कहाँ पर है। जो साथ के हैं वो भी इधर उधर हो जा रहे हैं। आगे देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है। मम्मी और खाएं? वहाँ पे मिल गए हैं मेरे को। देखिए पड़ोसी मिल गए यहाँ पे, और उन्हें गर्मी भी लगने लग गई है, थक भी गए, आइसक्रीम भी खाने लग गए हैं। और आगे बढ़ते हुए बच्चे साथ में आए हैं, और बिल्कुल हम मेले का आनंद ही ले रहे हैं यहाँ पे। तो आगे को जाते हुए
यहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगा है, भक्तों की भीड़ लगी है और लगती जा रही है। और आगे देखिए हम आपको और भी अच्छे अच्छे यहाँ पर कार्यक्रम दिखाएंगे और माता रानी के दर्शन कराएंगे। और जो भी भक्त यहाँ पर आए हैं और जो नहीं आए हैं वो भी देखिए, जो आए हैं वो भी देखिए। और दुकानें सजी हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया दुकानें सजी हैं, खूबसूरत लग रही है दुकानें भी, दुल्हन की तरह यहाँ पे दुकानें सजी हैं। सब अपना यहाँ पे मेले का आनंद ले रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मेले में मिलती हैं। और माता रानी के दर्शन करने के लिए हम आगे को जा रहे हैं। ये देखिए ईयरिंग भी यहाँ पर लगी है, काफ़ी औरतें यहाँ पर शॉपिंग कर रही हैं। और देखो माता रानी का भवन कितना अच्छी तरह सजा है, देखते रहना भक्तों, और भी आपको माता रानी के दर्शन अच्छी तरह होंगे। लोगों की भारी तादाद में यहाँ पर भीड़ हो रही है। ये आ गए हैं मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर नाश्ता बन रहा है, किसी मेले का आनंद लेते हुए हम आगे को बढ़ रहे हैं। और थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे हम मंदिर मेले का आनंद ले रहे हैं। हरी मात्रा में लगते जा रहे हैं। और यहाँ पर तो एक जगह ऐसा है मंदिर का मुख्य द्वार है, इतनी भीड़ लगी है जाने का यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। और मुश्किलों के साथ बना रही हूँ। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है मानो कब तक हमारा लंगर माँ के दर्शन के लिए आएगा, कोई पता नहीं है। और धक्का मुक्की भी बहुत हो गए यहाँ पे, भक्तों से ये पहुँच गए हैं गेट पे। मंदिर के चारों ओर का व्यू देखिए आप, और भक्तों की भीड़ आप में देखिएगा। ये भीड़ को देखते हुए लग रहा है मुश्किलों से भी अंदर जाने का नजर आएगा।
आगे बढ़ो सबसे, चलो 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 आगे बढ़ो। अपने जज्बानों को बात कराते हैं पंडित जी। इतने भारी बातों में जी को बातें दर्शन के लिए लाइन लगी है और मुझे तो लग रहा है मुश्किल है मंदिर दर्शन के लिए जाना। मैं बाहर से अपना एक मिनट बता मना है क्यों हाँ लो लो नहीं मुझे नहीं चाहिए No.
ध्यान देते हैं, फिर कभी हमें समझ आए। मेला कमेटी को जो सहयोग राशि प्राप्त हुई है वो उसका विवरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मां भ्रामरी चोर क्रेशर वालों के द्वारा 25,000 रुपया, श्री परिहार जी पूरा पूजा गार्मेंट्स वाले के द्वारा 1,100 रुपया, श्री हरी बैठानी जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बागेश्वर के द्वारा 5,100 रुपया, श्री दीपक पाठक जी के द्वारा 2,100 रुपया, श्रीमान थानाध्यक्ष बैजनाथ 1,100 रुपया, श्रीमान प्रकाश साय प्रधान बड़े 1,100 रुपया, श्री चंदन सिंह गोरा जी के द्वारा 500 रुपया, वन विभाग के द्वारा 20,000 रुपये की राशि दी गई है, विकासखंड गरुड़ के द्वारा 50,000, महाप्रबंधक उद्योग 7,500, श्री गिरीश मिश्र जी न्यूहारत 3,000, 12,000 रुपया, श्री बबू देवी जी अध्यक्ष होटल एसोसिएशन को 6,500 रुपया। मैं इन सभी सहयोगियों का मेला कमेटी की ओर से I'm not going to be able to do that.
Thank you.